सबसे पहले बताएं भाई, ये सुबह सुबह फजर की अजानों के वक़्त ये गोबर हम लोग उठा के लेके आए। लोग जो है ना वो गोबर बाहर फेंकते हैं, हम गोबर उठा के घर पे लेके आ गए और बेगम लेके आए ऐसी किन्नी सवाणी और गोबर लोग बाहर फेंकते हैं। इतनी जरूरत है इस गोबर की, ये ना होती तो हम लोग अधूरे। हाँ ये अधूरे रहते, खाती है किन्नी मार रही है। अच्छा जी, सबसे पहले तो बताएं, ये सुबह सुबह अजानें हो रही थी और बेगम जो है ना ये गोबर उठा के लेके आ गई है, और ये क्यों लेके आ, पहले इसकी सुनो यार। क्या है बोती, मुझे उठाओ। उठा लेना उसको, चीखे मार रही है कि मुझे उठाओ। हाँ बस उठ गई, अब मैं बात कर लूँ हंस रही है। अच्छा जी, सबसे पहले बताएं भाई, गोबर ये इसलिए हम लोग लेके आए हैं भाई, हमारे पास मिट्टी पड़ी हुई है। गोबर अक्सर ना लोग शहरों में जो है ना वो कलर करते हैं, दीवारों को रंग करते हैं और मुख्तलिफ पेंट करते हैं, और हम लोग जो देहातों वाले हैं और ये विलेज वाले जो लोग हैं उसके लिए ये पेंट है, यही उसकी मतलब वो रंग है, यही सारा कुछ है। और ये किस, हाँ ये पक्का कलर है, और ये बारिशों से जो है ना दीवारें जो है ना वो ख़राब नहीं होती। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं जी इसका कलर। कलर कैसे बनेगा, मतलब कि हम गोवा मिट्टी हम लोग बोलते हैं, गोवा मिट्टी इसका बनाएंगे, और वो कैसे बनाएंगे वो आपको दिखाते हैं। मिट्टी गोवा बनाने से पहले मैंने कहा वर्दी चेंज कर लूँ, क्योंकि बेगम लगा रही है जी सेहन का झाड़ू और अब फिर इधर आ गई। आप क्यों कपड़े बदली कर रहे हो, आप बताएं। तो मैंने करना तो मैं नहीं है, नाम तो तेरा आएगा। नहीं करना, मैंने करना है, ये आपसे नहीं होता, ये मैं खुद करूंगी। तो बना के तो मैंने ही देना है। नहीं मैं खुद बनाऊंगी खुद। तो फिर तो मैं तो कहता हूँ ये 10 दिन लग जाएंगे। क्यों 10 दिन लग जाएंगे, नहीं 10 दिन जल्दी लग। तो मुझे आप कपड़े दे, मैं बनाता हूँ। नहीं जो दूसरी होते ना वो मिट्टी वाला, वो आप सही बनाते हैं, जो होता है दूसरा गोया मिट्टी वो आप सही नहीं बनाते, वो मैं खुद बनाऊंगी और अच्छे से मैं खुद लगाऊंगी। ओ यार ये पूरा हफ्ता नहीं लगाना, मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर ये खत्म करना है। सिर्फ आगे आगे नहीं करना, आगे फ्रंट पे करना, ये सेहन में करना है, दीवारों पे करना है, सामने वाली मैं कर लेती हूं, जल्दी जल्दी हो जाएगा ये। चल फिर पता होता है, जल्दी जल्दी हो जाता है ये, वो दूसरा जो होता है वो ज्यादा मुश्किल होता है। चल फिर बना, देखते हैं भाई कितने टाइम लगाती है। हालांकि मैं बनाने वाला था, मैंने कहा चलो मैं करता हूँ, लेकिन ये कह रही मैं खुद कर। अच्छा जी एक चीज़ और मैं बताऊँ भाई, हमने किसी दोस्त से ना बोला था कि हमें पत्थर चाहिए, क्योंकि हमारे में इतनी मतलब वो अभी गुंजाइश नहीं है कि हम लोग ईंटें लेके आए और इसकी चार दीवारी बनाएं। तो हमने एक दोस्त को बोला था कि हमें ये काने की जो है ना पत्थर हमें वो ले आके दें, तो ये उन्होंने ये पत्थर एक ले आके दिए, तो ये पत्थर हमने यहाँ पे लगा दिए भाई। थोड़ा सा ना इस साइड पे थोड़ी वो गाड़ियाँ गुजरती हैं, साथ सड़क है, तो मतलब कि यहाँ से पर्दा जो है ना वो हो जाए, तो ये हमने यहाँ पे आरजी लगा दिए। अल्लाह करेगा कोई हिसाब किताब लग जाएगा तो इसकी दीवार भी बना लेंगे। फिलहाल हमने ये पत्थर लगाई है, लेकिन ये पत्थर भी बच्चों ने ना ये बीच में काने तोड़ने शुरू कर दिए। अब बच्चे हैं, अब क्या बोले बच्चों को। तो बहरहाल ये हमने फ़िलहाल ये कर दिया, और वहाँ से वहाँ पर पूरी नहीं आई तो इसलिए हमने वहाँ से खुला ही छोड़ दिया। तो इंशाल्लाह ये 7 फसल की कटाई हो गई है, ये देखें फसल की कटाई हो गई है, और अब इसको मतलब सही तरीके से लगाएंगे। फिलहाल जो है ना ये बेगम बना रही है जी गोवा मिट्टी।
माशाल्लाह जी, बेगम ने मिट्टी के अंदर पानी जो है वो डाल दिया। अब ये मिट्टी नरम हो जाएगी, मिट्टी के अंदर तूड़ी भी है, और जब ये नरम हो जाएगी उसके बाद इसके अंदर गोबर मिक्स करनी है। कैसे मिक्स करनी है वो भी आपको दिखाएंगे। और फिलहाल बेगम कर रही है जी, क्या कर रही है, कर क्या रही है, चूजों को पानी वगैरह जो है वो डाल रही है। हाँ, वो पानी पी रहा, वो देखिए को उनका है कि पानी रखो, वो दो चूजे हमारे जो है ना वो बीमार हो गए, तो इनको कोई दाना वगैरह भी डाल, उसी साइड पे रख दे, वहाँ पे रख दे, वहाँ पे तूड़ी के पास रख दे, ताकि वो आसानी से वहाँ पी ले। इनको भगाओ साइड पे, बल्कि बुला ले उधर, तूड़ी वाला पानी पी रहे। चलो 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 जाओ, चल 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 चलो 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 वहाँ जा कर पी। ये नुकसान करता है ये मुर्गी है, उनको कोई दवाई दी है, उसको दवाई नहीं दी, उसको दवाई भी दे दे, रुकन वाला जो सिरप है वो देती हूं। हाँ दवाई लेता ही नहीं है। माशाल्लाह जी, गोहा मिट्टी जो है वो बेगम बना रही है, और मुझे भी कपड़े बदली करने पड़ रहे हैं। कपड़े बदली करके मैं भी कुछ डिजाइनिंग करता हूँ सामने, कपड़े वगैरह जो है वो बदली कर लिए। अब करते हैं जी सामने लिपाई, वो अमशीरा आई हुई है, वो ऊपर मतलब वो कर रही है, और यहाँ पर ये बना रही है जी गोहा मिट्टी, और यहाँ पर जो है ना तूड़ी वाली जो है मिट्टी वो मतलब करनी है उसमें, मतलब कि तूड़ी मिक्स करके तो वो लगानी हमने। और अब करते हैं जी इसकी डिजाइनिंग, डिजाइनिंग करके आपको दिखाते हैं। गोहा मिट्टी जो है वो भी हमारा तैयार है, और वो मिट्टी भी तैयार है, उसकी हम लोग बनाएंगे बॉर्डर, और बॉर्डर कैसे बनाना है वो भी आपको दिखाता हूँ। फिलहाल आपको दिखाऊँ जी सामने कमरे की जो हो गई है लिपाई, और लिपाई कैसी हुई है भाई, गोहे मिट्टी से जो है ना ये मतलब हाथों की मदद से ये लिपाई कर दी है, और अभी इसके ऊपर और भी मेहनत होगी, लेकिन फिलहाल जो है ना इसको क्या हो गया, तो फिलहाल जो है ना ये अभी गोहा मिट्टी लगी, इसके बाद एक और हाथ लगेगा, वो लगेगा जी चिकनी मिट्टी का, तो वो बाद की बात है। फिलहाल ये खुश्क होने के बाद इसको एक दिन छोड़ के फिर हम लोग इसके ऊपर बुरश से या हाथों की मदद से जो है चोपा लगाएंगे। और अब करते हैं जी इसकी लिपाई, और किचन रह गया, उसकी भी लिपाई करनी है, इसकी भी करनी है, सेहन की भी करनी है। माशाल्लाह जी, ये ऐसी लुक लग रही है इसकी लिपाई होके, और ये ऊपर हमने वो छोटा सा डिज़ाइन बनाया, सिस्टर आई थी उससे बोला था भाई इसको मैंने डिज़ाइन बना के दिया था, उसने इसके ऊपर मतलब वो गारा वगैरह लगाया, तो ये कैसा लग रहा है ये आपने कमेंट्स करके बताना है। और बल्कि यहाँ से दूर खड़े होकर आपको दिखाऊँ, ये देखिए जी
कैसा लग रहा है? माशाल्लाह जी। और अब हम लोग करने लगे, अच्छा इस दीवार पे ना, ये ऊपर हमने वैसे ईंटें रखी हैं, इसकी जो है ना हल्की हल्की लिपाई कर देते हैं। हमारे पास मिट्टी भी पड़ी हुई थोड़ी सी और तूड़ी पड़ी, तो इसकी थोड़ी लिपाई करते हैं, तो इसके ऊपर भी इस जैसा हो जाएगा, मतलब खूबसूरत हो जाएगा। अभी इसके ऊपर और भी काम होना है, लेकिन क्या काम होना है वो बाद में दिखाते हैं। बाहर हो रही है लड़ाई, तो बाहर आवाज़ें कुछ ज़्यादा ही आ रही हैं, औरतों की लड़ाई हो रही है, तो इसलिए मैं अंदर आ गई हूँ, क्योंकि पड़ोसी हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है। आपने एक वीडियो में देखा होगा भाई, वो हर बंदे से लड़ाई करते हैं, तो अभी वहाँ से रास्ते में कोई औरतें गुजर रही थी, उनके साथ उनको लड़ाई शुरू होगी उनकी ना। तो बहरहाल जी करते हैं जी इसकी लिपाई। माशाल्लाह जी, मेरे मड हाउस की कुछ लोकेशन इस तरीके की बन चुकी है। इसका हमने मिट्टी वाली जो है ना, गोबर वाली मिट्टी, वो हमने लगाई है इसके ऊपर, और ये देखें जी इसकी लोकेशन कैसी लग रही है। और ये बीच में हमने कुछ डिज़ाइन बनाया, लेकिन ये अभी मुकम्मल तैयार नहीं हुआ, मुकम्मल तैयार होगा जब, वो भी आपको बताएंगे। अभी आज हमारा ये फाइनल है, फ़िलहाल ये सादा सा हमारा मड हाउस जो है ना वो तैयार हो रहा है, और हमने लिपाई कर दी है गोहा मिट्टी की, ये सारी यहाँ से लेके ये सारी, और इस साइड ये हमारे किचन वाली साइड जो है ना, इसकी भी लिपाई कर रहे हैं। ऊपर ऊपर से सारी मैंने कर दी है, नीचे जो है ना वो बेगम लगा रही है जी इसको गोहा मिट्टी, और इंशाल्लाह किचन भी बनाएंगे, लेकिन किचन गर्मियों में जाके जो है ना वो तैयार होगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो सर्दियों में तो हमने गुजारा करना है किसी न किसी तरीके, क्योंकि गर्मियों में जाकर ना ईंटें लेंगे, तब जाके ये मतलब हमारा किचन जो है ना वो तैयार होगा। अच्छा, साथ शोर शराबा हो रहा है वो ट्रैक्टर का, ट्रैक्टर वाले जो है ना वो हल चला रहे हैं उस साइड पर। तो अच्छा, एक चीज़ और भाई, यहाँ पर ये जो दरख्त है, ये इसका हमें साए का तो हमारे वो नहीं मतलब इसकी इतनी ज़रूरत, क्योंकि सर्दी का मौसम भी शुरू हो रहा है, और इसका साया जाता है जी नलके पे, लेकिन नलके पे हमें गर्मियों में इसका साया चाहिए, अभी इसका साया हमें नहीं चाहिए, और इसको हम लोग काटेंगे जी, ऊपर ऊपर से इसकी कटाई करते हैं जी। माशाल्लाह जी, सारे जो हमारे घर में दरख्त लगा हुआ था, इसको टाली बोलते हैं, तो इसके जो नीचे नीचे जो पत्ते थे जो मुँह पर लगते थे, वो हम मैंने सारे उतार दिए। तो अब यहाँ से लोकेशन आपको दिखाऊं, तो घर की लोकेशन कुछ इस तरीके की नज़र आ रही है, और ये आपको कैसी लग रही है आपने कमेंट्स करके बताना है। अभी भी वो ऊपर शाखें हैं सही, लेकिन वो मैंने नहीं काटी, तो बहरहाल मेरे ख्याल में तो ये सही है, क्योंकि गर्मियों में ये दरख्त जो है ना मेरे बहुत काम आने वाला है, और नलके पे भी इसका साया होगा, और अपना जो मेरा कमरा है उसके सामने भी साया होगा, इस साइड भी साया होगा, चारपाई बिछाने की जगह बन जाएगी। तो बहरहाल ये है जी मेरे घर की लोकेशन, और बेगम कहाँ तक पहुँची है वो भी आपको दिखाता हूँ। बेगम ने नीचे नीचे सारा कर दिया, ये ऊपर मैंने किया, उसकी भी सफाई देख लें, बेगम की भी देख लें भाई, बेगम ने क्या कारनामा किया। तो माशाल्लाह, अब रहेगी हमारी ये छोटी सी दीवार, तो बस वो करके उसके बाद जो है ना कमरे की साइडों पे भी लिपाई करनी है, लेकिन वो बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने सेहन में जो है ना यहाँ पर मतलब के गोहा जो है ना वो लेके आएंगे, वो यहाँ पे सेहन में लगाएंगे, तो इतनी देर में ये खुश्क हो जाएगा, बाद में इसके साथ क्या करेंगे वो बाद में देखते हैं। फ़िलहाल जो है ना इसका जो हमारे पास ये थोड़ा सा बचा पड़ा है, इसके बारे में कुछ सोचते हैं भाई, इसको कहाँ पे लगाना है। मेरी नियत थी कि यहाँ पर जिस तरीके ये ऊपर गुलाई है, इसी तरीके की यहाँ पे एक चकोर मतलब बना दें, लेकिन बेगम कह रही है जी नहीं बनानी, ये ऐसे सादी ठीक है। तो बहरहाल जी, ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके बारे में सोचते हैं भाई क्या करना है। तो बाकी ये आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो इस चीज़ की माजरत, बाकी उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद है चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।